फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है मेथी मलाई मटर, सॉरी मटर नहीं, पनीर। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है और कितनी बढ़िया हमारी बनी सब्जी तैयार हुई है, ये देखिए। और खा के टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये सब्जी बनी है, कलर भी देखिए आप कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी पनीर मलाई। फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। सर्दियों का मतलब हरी सब्जियां, तो आज हम मेथी, ये आप देख रहे होंगे ये मेथी है, इसे मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया और काट लिया। अब हम इसके लिए, मैंने ये लिया है आधा किलो मेथी। इसको मैं, मेथी आप, हमें सबको पता है कि कड़वी होती है, तो मेथी को अगर आपको कड़वापन निकालना है तो इसे आप नमक के पानी में भिगो दीजिए। जैसे कि हम इससे फिर सब्जी बनाएंगे, इसे निचोड़ के, तो उसमें कड़वाहट कम होगी, पूरी नहीं निकलेगी लेकिन कम होगी। और कड़वी चीज़ें भी हमें खानी चाहिए, ये नहीं कि हमें कड़वी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फिर भी मैंने सब्जी का टेस्ट बनाने के लिए मैंने ये मेथी को नमक के पानी में भिगो दिया। अब इतने हमारी मेथी सोख होती है, इतने हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करें। मटर मलाई पनीर या मेथी मटर पनीर या मेथी मलाई पनीर जो भी बनाया जाता है, इसकी ग्रेवी दो तरह से बनती है। एक सफ़ेद, जो कि हम होटलों में खाते हैं, और एक पीले रंग की। ये मेथी मलाई पनीर, उसको हम सफ़ेद मिर्ची डाल के बनाएंगे, या उसमें हम हरी मिर्च स्लिट करके डाल देंगे जिससे कि उसमें रंग ना आए। और जो हम पीला मेथी मलाई पनीर बनाएंगे उसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और काली मिर्च भी डाल सकते हैं उसमें। इस सब्जी में काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब प्रोसेस दोनों का सेम ही है, बस ये है कि आपको ध्यान रखना है। अब ये मैंने घी गर्म हुआ, ये हम बनाएंगे घी में ही, घी या बटर आप जिसमें भी बनाना चाहें, तेल में नहीं बना, तेल में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये मैंने डाला इसमें एक तेज़ पत्ता। हम इसकी पहले ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले ग्रेवी पकाएंगे, ठंडी होगी, पीसेंगे, फिर हम उससे सब्जी बनाएंगे। तो इसलिए इतने हमारी मेथी सोख होती है, इतने हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने तीन प्याज मोटे मोटे काट लिए हैं। आप चाहें तो इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें प्याज डालें। और प्याज को हम हल्का सा सोटे करेंगे घी में, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ये एक इंच मैंने अदरक का टुकड़ा काट लिया, सब मोटा मोटा ही काट के डालेंगे। और ये दो हरी मिर्च काट ली हैं, और साथ में डालेंगे काजू। काजू को आप साबित भी डाल सकते हैं, वैसे हमने पीसने ही होते हैं ग्रेवी में, तो मैं इस तरह के काजू भी डाल देती हूँ। मैं ये टूटे हुए काजू डालूँगी, आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें एक चम्मच चीनी डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेथी को हम इंग्लिश में फेंग्यूरिक कहते हैं। फेंग्यूरिक से मतलब फेंग्यू मीन्स घास, और ग्रीक मतलब ग्रीक शहर। ये मेथी का खाने के लिए जानना ग्रीक से ही आया, क्योंकि वहाँ की बकरियाँ जब ये घास खाती थी तो दूध भी ज़्यादा देती थी, खुशबुश भी होती थी, और जीती भी ज़्यादा थी। तो लोगों ने सोचा ये घास बहुत अच्छी है, और उसको खाना शुरू करा, और इससे धीरे धीरे ये सारे दुनिया में फैल गई। हिंदुस्तान में भी ये ग्रीक से ही आई है। ये देखिए, बातों बातों में हमारा प्याज हल्का सा सोटे हो गया। अब मैं इसे पानी डाल के अच्छे से ढक के पकाऊंगी। इसको हम ढक के पकाएंगे गलने तक, जब तक हमारा प्याज गलता है। ये देखिए हमारा प्याज और ये अच्छे से पक गया। अब हम इसमें से ये निकाल देंगे तेज़पत्ता, क्योंकि अगर हम इसको ग्रेवी में पीसेंगे तो हमारे ग्रेवी में
ग्रीन कलर आएगा। अब हम इसे ठंडा करके पेस्ट बना लेंगे। चलिए मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। ग्रेवी के लिए पेस्ट ठंडा हो रहा है, इतने हम अपनी मेथी को भून लेते हैं। ये मैंने डाला घी, घी में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग। जीरे को अच्छे से क्रैकल होने के बाद हम जो ये मेथी है हमारी, इसे निचोड़ लेंगे अच्छे से। नमक नहीं डालना, क्योंकि नमक हमने पानी में डाला था और हम ग्रेवी बनाएंगे इसमें भी डालेंगे, इसलिए नमक इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। मेथी को अच्छे से भूनना ज़रूरी है, अगर हम मेथी को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। इसको हम अच्छे से भूनेंगे, इससे होगा क्या कि मेथी का पानी भी सूख जाएगा और मेथी का टेस्ट भी अच्छे से आएगा। जितना हम इसको भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी मेथी बनेगी। इसका जब तक डार्क कलर नहीं हो जाता पानी सूखने के बाद, हम इसको भूनते रहेंगे। देखिए हमारी मेथी कितने अच्छे से भुन गई है, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेथी भुनती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। हमारी मेथी भुन गई है, अब मैं इसे अलग बाउल में निकाल लेती हूँ। अब हम आगे का काम करते हैं। मैं डालूँगी थोड़ा सा घी। घी हम डालते आ रहे हैं, हर बार जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो हम घी डालते हैं। हल्की सी हींग, जीरा हमने पहले भी डाला है इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, और ये तेज़पत्ता, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये दो टुकड़े दालचीनी, चार लौंग और 10 से 12 काली मिर्च साबित डाली हैं इसमें, और ये एक हरी इलायची। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा बारीक करा हरी मिर्च और अदरक। अच्छे से भून लेंगे, और ये जो हमने प्याज और काजू उबाले थे ये मैं ये डाल दूंगी। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और ये एक बॉल दही, एक कटोरी मैंने ये दही ली है, ताजी दही है बिल्कुल। दही डालने से ग्रेवी बहुत रिच बनती है। दही फटने की टेंशन ना लें, क्योंकि हमने इसमें काजू डाले हैं तो इसको दही को बेस मिल गया, दही फटेगी नहीं। लेकिन फिर भी हमें इसे चलाना बंद नहीं करना है, हम इसे चलाते रहेंगे और अच्छे से पकाएंगे। हमें हाथ को रोकना नहीं है, अच्छे से बुनाई करनी है। थोड़ा दिखता नहीं है क्लियर मैं इसको, और ठंड है, पंखा भी नहीं चला सकती जो भाप रुके ना इधर उधर हो जाए। अब ठंड भी बहुत पड़ने लगी है। इतने हमारी ग्रेवी पक रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है आप ये भी बताएं कमेंट्स में। और अगर पसंद नहीं आती, क्यों पसंद नहीं आती, किस वजह से आपको ये, इसमें जो भी कमी नज़र आती है आप वो मुझे भी बता सकते हैं। लाइक करते हैं तो लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक का बटन भी दबाइए। उससे मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा अच्छा और ज़्यादा अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और मिक्सी के जग में जो हमारा पेस्ट लगा है उसे पानी डाल के सारा हम इसमें निकाल लेंगे। अपनी ग्रेवी में हम डालेंगे, कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए ग्रेवी हमारी पकने लगी है। हमने वैसे भी प्याज को पहले अच्छे से पका लिया था, तो हमें अभी इस समय ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारी दही भी अच्छे से भून गई है। हमने जो पीसा था ये सारा पानी मैंने इसमें डाल के, और अब हम इसको ढक के अच्छे से पकाएंगे। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक रही है, और आपको नज़र आ रहा होगा जो हमने इसमें घी है, देखिए साइडों में आ गया है। हम ग्रेवी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसे छानना है। अगर हम ग्रेवी को बहुत गाढ़ा करके छानते हैं तो ग्रेवी के जो भी उसमें छानने में बहुत सा सामान, जो हमने चीज़ें डाली हैं वो वेस्ट होती हैं, निकलती हैं। ग्रेवी को गाढ़ा तो हम बाद में भी कर लेंगे, अभी पकाएंगे।
तो अब मैं इसको छान लेती हूँ। ग्रेवी को छानना बहुत ज़रूरी है, जो हमने ये चीज़ें डाली हैं साबित, इन सब की फ्लेवर सब्जी में आ चुकी है, हमारी ग्रेवी में आ चुकी है। अब हम इसको छान लेते हैं, ग्रेवी को छान लूँगी और फिर हम अपना आगे का काम करेंगे। ये देखिए, मैंने ग्रेवी को छान लिया और जो इसमें था सब मोटा वाला जो भी था वो सब निकल गया। अब हम अपना आगे का काम करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे। और ये देखिए, पनीर के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, बहुत मोटे नहीं हैं और बहुत बड़े नहीं हैं, क्योंकि हम पनीर को मेथी के साथ बना रहे हैं तो पूरे फ्लेवर्स आने चाहिए, और इसलिए मैंने ये छोटे छोटे पीस करे हैं। आप चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पीस करने से अच्छा रहता है। और इसमें मैं ये इन्हें अच्छे से घी में टॉस कर लूँगी। देखिए, आपने देखा ये पीस मैंने बहुत छोटे छोटे काट के डाले हैं। मेथी पनीर मलाई बना रही हूँ तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, बहुत थोड़ी सी। पनीर हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें ये जो हमने ग्रेवी छान के रखी थी इसको डाल दूंगी। देखिए, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बनी है हमारी, कितनी अच्छी है, ये देखिए बिल्कुल सिल्की। इस तरह इसकी सब्जी में या ग्रेवीज जो हम बनाते हैं, जब सिल्की बनती हैं, बिल्कुल स्मूथ बनती हैं, तभी अच्छी लगती हैं। देखिए, हम होटल रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवीज होती हैं, वो इसी तरह से बनाई जाती हैं। और ये जो हमने मेथी भून के रखी थी ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम खूब अच्छे से पकाएंगे। कितना अच्छा पीला रंग आया है। वैसे हम घी में, अगर तेज़ घी में मेथी को हल्दी को भूनते हैं तो हमारी हल्दी ब्राउन सा कलर देती है, लेकिन आप इस तरह से भूनिए तो बहुत हल्का रंग देती है और सुंदर सा रंग देती है। देखिए, अब ये मैं जिस बर्तन में मैंने ग्रेवी छानी थी उसको भी धो के पानी डालेंगे और उस पानी को मैं इस छली में डाल के फिर से छान दूंगी, जो भी इसमें और है वो थोड़ा सा निकल जाएगा, क्योंकि ग्रेवी को हमने अभी पकाना है। इसे हम कम से कम 10 मिनट तक फिर से पकाएंगे, जिससे कि हमारी मेथी का फ्लेवर हमारे पनीर के साथ खूब अच्छे से मिक्स हो जाए और सारे फ्लेवर्स पनीर में भी आ जाएं। मैं आप नमक भी चेक कर लें, नमक कम ज़्यादा लगे, कम लगे तो आप नमक भी डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेथी के साथ। देखिए कितना अच्छा मेथी का भी कलर आया हमारी, कितनी ग्रीन मेथी है। अब इसे मैं ढक के पकाती हूँ 5-10 मिनट तक। जितने अच्छे से पकेगी उतने अच्छे फ्लेवर्स हमारी सब्जी में आएंगे। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी। देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया से पक गई है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा साइडों में, भाप की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। एक्चुअली मैं हटाती हूँ इसको पहले, भाप निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरा घी साइडों में और हमारी, देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल स्मूथ। अब हम इसमें क्रीम डाल सकते हैं आप चाहें तो, और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई को डाल सकते हैं, हमारी सब्जी और भी क्रीमी हो जाएगी। अब इस पर मैं थोड़ा सा रंग देने के लिए इस पर लाल मिर्ची का छौंक लगाऊंगी। घी गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी ये मिर्ची। आप सोच रहे होंगे बहुत मिर्ची है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर देगी, तीखापन नहीं देती। इसको अच्छे से घी में भून के डालने से सब्जियों में बहुत अच्छा कलर आता है। और ये मैं छौंक इस पर, कितनी बढ़िया हमारी सब्जी तैयार हुई है। अब मैं इसमें, कितना अच्छा कलर आया, अब हम इसमें डाल देंगे, मैं तो मलाई डाल रही हूँ, आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं। और हमारी मेथी मटर मलाई खाने के लिए, सॉरी मेथी मटर पनीर, देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर कलर आ रहा है। और हमारा मेथी पनीर मलाई बिल्कुल तैयार है खाने के लिए।
होप आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।